नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा DGT के बारे में। तो आप सभी छात्रों को मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं वो 1 नवंबर 2021 से आप लोगों को स्टार्ट होने वाली है। जो भी उत्तर प्रदेश में एडमिशन लिया है या फिर किसी भी स्टेट में एडमिशन लिया है और NCVT के अंतर्गत आता है, तो उसमें मैंने बताया था आपको DGT का एक लेटर दिखाया था। तो DGT के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। DGT मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। और इसका मतलब क्या होता है, तो ये एक सेंट्रल बॉडी है। तो जैसे NCVT के बात करूं मैं, तो NCVT होता है एक सेंट्रल बॉडी होता है, वैसे ही DGT है एक सेंट्रल बॉडी है जो NCVT के सारे नियम धर्म जो होते हैं, जो भी एग्ज़ाम कब कराना है, आप लोगों का एडमिशन कब कराना है, आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू कब करानी है और आप लोगों की ट्रेनिंग एंड कब करानी है और आप लोगों के एग्ज़ाम कब होंगे, ये NCVT की जितने भी ITI हैं और जितनी भी NCVT की ट्रेड हैं, जो बच्चे NCVT में एडमिशन लिए हैं अब वो DGT के नियम ही फॉलो करेंगे। DGT का जो भी लेटर आएगा वो NCVT के लिए आता। NCVT की जितनी भी ITI हैं वो DGT के नियम को ही फॉलो करेंगी, चाहे वो किसी स्टेट में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की ITI हो, चाहे फिर राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा की हो। अगर NCVT की ITI है और आप NCVT से जो है ITI कर रहे हैं तो आपको DGT के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। DGT बताएगा कि आपको एडमिशन इतने से इतने तारीख तक होगी और आपकी ट्रेनिंग है, उसने बताया एक लेटर के माध्यम से 1 नवंबर से स्टार्ट होगी। तो सारे उत्तर प्रदेश के हों चाहे कोई स्टेट के हो, 1 नवंबर से उनकी जो है उनका एक लेटर आएगा और उससे वो बताएंगे कि 1 नवंबर से आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। और ऐसे ही आपके एग्ज़ाम कब होंगे, तो DGT जो है सेंट्रल बॉडी है और वो गवर्न करेगी सारे के सारे स्टेट के लिए नियम बनाए एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो ऐसे एक ये समझिए आपकी सर्वे सर्वा है, जो NCVT से ITI कर रहा है उसके लिए DGT एक सर्वे सर्वा है, सेंट्रल बॉडी है जो सारे नियम कानून बनाती है, सारे शेड्यूल देती है। तो DGT को ही फॉलो करना पड़ता है स्टेट को। तो आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे, जो बच्चे NCVT के हैं तो उनको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के लेटर देखने हैं अब। और NCVT की एक अलग वेबसाइट है जो कि मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, NCVT MIS.gov.in, ये NCVT की साइट है। अभी तक मैं आपको परिचित करा रहा था वो SCVT की साइट से करा रहा था, तो वहाँ से आपके एडमिशन होने के बाद वो साइट से आप लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा जो NCVT में एडमिशन लिए। और NCVT की और अपडेट आएंगी, वो सारी अपडेट अब NCVT MIS.gov.in जो NCVT की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, अब सारी जो जानकारी आएंगी वो इसी वेबसाइट पे आएंगी। तो आशा करते हैं अब आप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि DGT क्या है। DGT एक सेंट्रल बॉडी है जो NCVT के सारे ITIs को जो है रूल को गवर्न करती है और सारे रूल रेगुलेशंस जो है बनाती है, उनको स्टेट से फॉलो कराती है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे DGT के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।